हेलो फ्रेंड्स दोस्तों आज किस वीडियो में हम लोग जो जे में प्रीवियसली कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट थे वो पूछे गए थे उसके बारे में देखेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट या ऑलरेडी आ चुके हैं जिससे आपको एक जनरल uh, आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जे में पूछे जाते हैं तो आइए जानते हैं सो so फ्रेंड्स मैंने कुछ नेट uh, से इसको सेलेक्ट किया है आप लोगों के लिए बहुत सारे नहीं हैं बट लिमिटेड क्वेश्चंस हैं ये तो आइए जानते हैं सो so, दोस्तों पहला क्वेश्चन है प्लैचिंग इन वेजिटेबल इज़ डन फॉर ऑप्शन ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिमूवल ऑप्शन बी इन एक्टिव इन चाइम्स ऑप्शन सी सॉफ्टनिंग सो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन ए बी सी तीनों सही होगा ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इज सो फ्रेंड्स प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इज लर्निंग बाय डूइंग ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन इंडिया सो फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर जे में पूछे जाते हैं जिसमें जो डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स हैं उनका ईयर ऑफ स्टार्टिंग ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है तो इसमें जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है सीडीपी वो उन्नीस में स्टार्ट हुआ इसलिए ऑप्शन सी इसमें सही होगा अगला क्वेश्चन है एन आर ई पी वाज स्टार्टेड इन द ईयर सो फ्रेंड्स एन ई आर पी का फुल फॉर्म होगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम और जो ये स्टार्ट हुआ था ये 1980 में स्टार्ट हुआ था सो so फ्रेंड्स जो नियरेस्ट ऑप्शन है उन्नीस सौ अस्सी के वो है नाइनटीन हंड्रेड सेवेंटी नाइन यानी ऑप्शन सी इसमें सही होगा ओके okay. अगला क्वेश्चन है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप द प्लानिंग कमीशन सो फ्रेंड्स प्लानिंग कमीशन जो uh, इंडिया में सेटअप किया गया वो पंद्रह मार्च उन्नीस सौ पचास को ठीक है सो प्लानिंग कमीशन जो कि फाइव ईयर के प्लान्स होते हैं गवर्नमेंट के उनको कैसे कमिंग uh, ईयर में एग्जीक्यूट करना है जैसे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और अदर uh, जो जीडीपी है वो इंडिया की इंप्रूव हो सो so, इस ऑब्जेक्टिव uh, के साथ इसको बनाया गया था और अभी ये चेंज हो के नीति आयोग में बन, बदल गया है सो प्लानिंग कमीशन अब इट डज़ नॉट एग्जिस्ट इट नाउ हैज चेंज टू नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द इंडिया ओके, सो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है एक्सक्लूजन ऑफ प्लांट डिजीज बाई लेजिस्लेशन इज नोन एज ऑप्शन ए डिजीज रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी प्लांट क्वारंटाइन ऑप्शन सी बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑप्शन डी कल्चरल कंट्रोल सो फ्रेंड्स इसमें जो प्लांट uh, डिजीज़ को एक्सक्लूड करें मीन्स वो uh, फैले ना दूसरी जगह पे उस uh, को जो है बोला जाता है प्लांट क्वारंटाइन ठीक है so, सो इसमें ऑप्शन uh, प्लांट क्वारंटाइन जो है वो बी ऑप्शन सही होगा अगला क्वेश्चन है हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी अमंग द फॉलोइंग सो ऑप्शन ए ई जे बटलर ऑप्शन बी एंटोन डीवरी ऑप्शन सी एडवर्ड फिसर और ऑप्शन डी रॉबर्ट कोच तो दोस्तों जो इंडियन प्लांट पैथोलॉजिस्ट हैं वो ईजे बटलर हैं जिनको फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी से जाना जाता है ठीक so, right. है सो इसमें ऑप्शन ए इस राइट आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी वाज प्रपोज बाई तो दोस्तों जो क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी उन्नीस सौ उनतालीस में नाइनटीन हंड्रेड uh, 39 में अर्न एंड स्टाउट ने दिया था उन्होंने जो इसेंशियल एलिमेंट हैं जो प्लांट को रिक्वायर्ड हैं अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए वो 16 इसेंशियल uh, एलिमेंट उन्होंने बताया था बट अभी रिसेंटली निकिल को एक और स, uh, उसमें ऐड किया गया है सो इन रिसेंट देयर आर सेवनटीन इसेंशियल एलिमेंट ठीक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सो so, आप लोग इसको याद रखेंगे ओके okay? अगला क्वेश्चन है स्पेसिफिक हीट इज़ हाइर इन सो स्पेसिफिक हीट निम्न में किस में सबसे ज़्यादा है ऑप्शन ए सैंड ऑप्शन बी सिल्ट ऑप्शन क्ले सी एंड डी इज़ ह्यूमस सो फ्रेंड जो हाईएस्ट हाइयर स्पेसिफिक हीट होती है वो ह्यूमस की होती है सो so, इसमें ऑप्शन डी इज़ राइट अगला क्वेश्चन है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंडरी मिनरल तो दोस्तों इसमें जो सेकेंडरी मिनरल है वो डोलोमाइट यानी ऑप्शन सी इज़ राइट ओके अगला प्रश्न है एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज इन अल्कली सॉइल इज ऑप्शन ए मोर देन अलेवन परसेंट ऑप्शन बी मोर देन थर्टीन परसेंट ऑप्शन सी इज़ मोर देन फोर्टीन परसेंट एंड ऑप्शन डी इज़ मोर देन फिफ्टीन परसेंट सो so, दोस्तों जो एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज इन अल्कली सॉयल होता है वो मोर देन फिफ्टीन परसेंट यानी ऑप्शन डी इज़ राइट ओके अगला क्वेश्चन है दोस्तों थिनिंग आउट इज ए टिप रिमूवल ऑफ सूट बी एपिकल बड रिमूवल सी कंप्लीट रिमूवल ऑफ फ्यू ब्रांचेस एंड डी कंप्लीट रिमूवल ऑफ ब्रांचेस तो दोस्तों थिनिंग आउट मीन्स जो आ, बहुत सारी आ, डेंस ब्रांचेज हैं क्रिस क्रॉस डिजीज या अनप्रोडक्टिव जो फ्रूटिंग नहीं होती है उसमें उसको रिमूव करना सो so, इसमें जो ऑप्शन सी होगा वो कंप्लीट रिमूवल ऑफ फ्यू ब्रांचेस। मींस जो फ्यू ब्रांचेस हैं उनको हम रिमूव करेंगे सो इन दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी इज़ राइट ओके अगला क्वेश्चन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज नाइन ओ प्लांट ए बाल्सम बी नस्टर्टियम सी पार्चुलाका एंड डी रोज तो दोस्तों नाइन ओ क्लाक प्लान्टार्चुलाका को कहते हैं ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सो so, दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो विच वन ऑफ द पेयर इज़ करेक्ट निम्न में से कौन सा पेयर करेक्ट है और ये वीट रूट नैफी फॉर एंड ऑप्शन बी रेडिस क्रनिकल सी कैरट फ्यूजी फॉर डी टर्निंग सिलेंड्रिकल तो दोस्तों एक तरफ क्रॉप दिया गया है एक तरफ दूसरा उनका मॉडिफिकेशन ऑफ देअ रूट्स वो है सो so दोस्तों इसमें बीट रूट नाइफी फॉर इज़ राइट बिकॉज जो बीट रूट होता है उसका जो रूटिंग सिस्टम होता है रूट वो नाइफी फॉर uh, होता है ठीक है सो ऑप्शन ए इज राइट नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों लीव्स ऑफ फिच ऑर्नमेंटल प्लान्टज मच पॉइजनस वेन ईटन और चवीट तो इसमें जो ऑर्नामेंटल प्लान्ट उसकी लीव्स को अगर हम खा लेते हैं चबा लेते हैं तो वो बहुत पॉइजनस होता है सो so फ्रेंड्स इसमें जो ऑप्शन बी डिफेंट बैचिया ये सही है ओके तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही उम्मीद करता हूँ ये जो आपने अभी क्वेश्चन देखे होंगे इसे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ी होगी